हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए मूंग दाल हलवा की रेसिपी लेके आई हूँ। तो मूंग दाल हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंग दाल ले लेंगे, उसको अच्छे से सोक कर लेंगे 4 से 5 घंटे के बाद। सोक करने के बाद हम उसको अच्छे से वॉश करके उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। दाल बनाने के लिए जो दाल की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो रहेगी मूँग की दाल। आप देख सकते हैं मैंने साबुत मूँग की दाल ले ली है, जो इस कलर हरे कलर की होती है। अब हम इसको अच्छे से पानी में डाल के कम 4 घंटे के लिए सो करके रख देंगे। तो हम इसको पानी में ऐसे ही कम से कम 4 घंटे के लिए सो करके रख देंगे। तो ये रहा हमारा पेस्ट। इस पेस्ट के साथ हमें चाहिए होगा बादाम, जो मैंने अच्छे से बारीक कटे हुए ले लिए। घी, साथ में हमने दूध ले लिया और आप देख सकते हैं इस दूध के अंदर मलाई है, तो हमें मलाई वाला दूध लेना है। साथ में रहेगा आटा, गेहूं का आटा, और साथ में रहेगी चीनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना दूध ले लेंगे और उसको एक बर्तन में डाल के मलाई के साथ था ये दूध, तो इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो मैंने हाई फ्लेम पे रख दिया इसको अच्छे से उबलने के लिए, और इसके अंदर हम हल्दी डाल देंगे। अगर आपके पास फूड कलर अवेलेबल हो तो आप फूड कलर डाल दीजिएगा। अब इसको अच्छे से उबलने देंगे। तो जब तक आपका दूध उबल रहा है तब तक हम एक बर्तन लेंगे, उसको गैस ऑन करके गर्म कर लेंगे। जब तक आपका बर्तन गर्म हो रहा है तब तक इसमें अपना घी डाल दीजिए, और घी डाल के उसको अच्छे से हीट होने दीजिए। तो जैसे घी गर्म हो जाएगा अब उसके अंदर अपना आटा डाल दोगे गेहूं का, और गेहूं का आटा डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लोगे। मिक्स करके उसको अच्छे से पका लोगे अपने आटे को घी के साथ। अच्छे से पका लीजिएगा। अब इसको अच्छे से पकने देंगे कुछ 20 से 30 सेकंड्स के लिए। तो आप देख सकते हैं जो आटा है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब वो पकना स्टार्ट हो गया। इसी टाइम पे हम अपनी दाल जो अच्छे से हमने पीस ली है उसको डाल लेंगे, और डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, अब आपने लो फ्लेम पे अपने हलवे को अच्छे से पकने देना, और याद रखिएगा इसको पकने में टाइम लगता है। तो इसको अब हम लो फ्लेम पे दाल को अच्छे से पकने देंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने जो दाल का हलवा बना रहे हैं लो फ्लेम पे बनेगा, और लो फ्लेम के बाद इसको आपने अच्छे से ऐसे ही पकने देना, और बीच बीच में हिलाते रहना ताकि आपका जो दाल का हलवा वो नीचे ना लगे। और ऐसे ही करते करते कम से कम 20 से 25 मिनट जब तक आपकी जो दाल है वो ब्राउन हो जाए तब तक आप पका लीजिए। तो आप देख सकते हैं मुझे अपने हलवा को पकाते हुए कम से कम 10 मिनट हो गए, मैं 10 मिनट से अच्छे से पका रही थी। और अब आप देख सकते हैं जो मेरा हलवा है वो कैसे उसके जो दाने हैं वो अलग होना स्टार्ट हो गए, इसका मतलब ये पकना स्टार्ट हो गया है। पहले ये कैसे इकट्ठे हो गए हुआ था हलवा, और आप देख सकते हैं कैसे ये अलग होना स्टार्ट हो गया। जब ये अलग होना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब जो आपका हलवा है वो फिर से पकना स्टार्ट हो चुका है। ऐसे करते करते इसको हम 10 मिनट के लिए और पका लेंगे जब तक ये थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। तो लगभग कम से कम 20 मिनट हो गए हैं मुझे अच्छे से पकाते हुए, और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा भी हो गया, और इसका हर एक दाना अलग अलग भी हो गया और अच्छे से पक भी चुका है। तो इसी टाइम पे हम क्या कर देंगे, अपने बादाम डाल देंगे, और बादाम डाल के उसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे, और 5 मिनट तक फिर से इसको अच्छे से पका लेंगे। करके अब इसको अच्छे से फिर से 5 मिनट के लिए चलाते रहेंगे और पका लेंगे, और आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना प्यारा ब्राउनिश कलर आना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब ये जो है रोस्ट हो चुका है, आपकी दाल जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब इसको 5 मिनट तक और पकाएंगे तो आप देखोगे जो कलर है वो बहुत प्यारा ब्राउन आ चुका है। इसकी एक और टिप है जानने के लिए कि आपका जो हलवा है वो अच्छे से पक चुका है, कि जैसे आप इसको बीच से सेंटर से करोगे तो देखना आपका जो दाल है वो बिल्कुल जो कढ़ाई है उसके साथ नहीं टच हो रही होगी, और साथ में जो शाइनिंग कलर का जो आपकी कढ़ाई है वो थोड़ी शाइन करना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब जो आपका दाल है उसने घी अपने से रिलीज़ करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से आपकी कढ़ाई पे शाइन आना स्टार्ट हो गया। तो यही टाइम होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि जो आपका हलवा है वो अच्छे से पक चुका है, रोस्ट हो चुका है। अब इसी टाइम पर हम क्या करेंगे,
चीनी डाल देंगे अपनी, और चीनी डालने के बाद इसमें हम अपना दूध डाल देंगे जिसको अच्छे से हमने उबाल लिया था हल्दी के साथ, और डालने के बाद इसको जल्दी से हमने मिक्स कर देना है। और ध्यान रखिएगा कि जो दूध है वो आपके ऊपर भी आ सकता है, तो इसलिए आराम से मिक्स कर लीजिएगा। और जो अब आप अपनी गैस है उसकी फ्लेम जो है वो हाई कर दोगे, हाई करने के बाद अब इसको अच्छे से पकने दोगे 2 मिनट के लिए। तो ये अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा से थिक हो गया। तो आपका जो दाल वाला हलवा है वो बन के तैयार हो चुका है, आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हो।